हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वर्ल्ड का बेस्ट हेयर मास्क, जो कि ये एक मेहंदी हेयर मास्क। ये हेयर मास्क आपके बालों को नेचुरली कलर करता है। इससे आपके बाल नेचुरली कलर तो होंगे ही, इसके साथ साथ आपके बालों में नेचुरल शाइन आएगा, चमक आएगा, बालों की ग्रोथ होगी और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगा और आपके बाल सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं इस हेयर मास्क को बनाना कैसे है और यूज कैसे करना है। तो हेयर मास्क बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बीटरूट यानी कि चुकंदर। इससे हमारे बालों में एक बहुत ही प्यारा सा कलर आता है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके, इसको पीस करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे और ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब आपको लेना है एक पैन और उसमें डालना है 1 से 1.5 गिलास पानी और यहाँ पे मैं कॉफ़ी डाल रही हूँ, 1 से 2 पैकेट कॉफ़ी का, और जो हमने बीटरूट को पीस के रखा था उसको डाल देंगे और फिर हम इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो इसको एक छन्नी की हेल्प से छान लेंगे और इसके वाटर को अलग कर लेंगे। तो ये हमारा जो वाटर है वो रेडी हो गया है। मास्क बनाने के लिए आपको ले लेना है मेहंदी। जो मेहंदी आप अपने बालों के लिए यूज़ करते हो वो आप यहाँ पे ले लेना। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच नीम पाउडर। ये हमारे डैंड्रफ को तो दूर करेगा ही और साथ ही साथ अगर आपके स्कैल्प में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है तो ये उसको भी ठीक करेगा। और फिर हमने जो कॉफ़ी और बीटरूट का लिक्विड तैयार किया था उसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके मिक्स करेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे और ये हमारा पैक एकदम रेडी हो गया है। इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग ये कुछ इस तरीके का हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। अगर आप अंडा यूज़ करते हो तो आप इसमें अंडा ज़रूर डालना और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। और ये हमारा हेयर मास्क एकदम रेडी है यूज़ करने के लिए। इसको अप्लाई करने से पहले आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपके बाल एकदम क्लीन होने चाहिए और फिर इसको लेकर के अपने पूरे बालों में जड़ से लेकर के लेंथ तक अच्छे से लगा लें। इसको बहुत ही अच्छे से लगाने के बाद इसको 2 से 3 घंटे तक अपने बालों में ऐसे ही लगा रहने दें। 2 से 3 घंटे बाद बालों को वॉश कर लेना और शैम्पू का यूज़ मत करना, सिर्फ पानी से बालों को वॉश करना। शैम्पू आपको नेक्स्ट डे करना है। बालों को वॉश करने के बाद जब ये सूख जाएंगे तो आप कोई भी ऑयल लेकर के अपने बालों में अच्छे से लगा लेना और नेक्स्ट डे आप अपने बालों को किसी भी शैम्पू के साथ वॉश कर लेना। तो ये आप देख सकते हो कि मेरे बालों में कितना अच्छा सा कलर आया है। ये एकदम नेचुरल है, बिना किसी केमिकल के यूज़ किए हुए भी आप अपने बालों को कलर कर सकते हो। अगर आप अपने बालों को नेचुरली कलर करना चाहते हो तो आप इस मास्क को 1 महीने में 3 बार यूज़ करना, आपको बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे बहुत सारे इजी और इफेक्टिव होम रेमेडी देखने के लिए।